सच में काफी खूबसूरत है। एक बार तो मन आपका जरूर डोलेगा, खुद ही देख लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई हुंडई एलेंट्रा की। जहाँ पर होंडा अपनी सिटी को लेकर के वरना को टक्कर देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर जो है वो हुंडई भी पीछे नहीं है। वो अपनी सेगमेंट की बेस्ट जो सिविक है उसको टक्कर देने के लिए लेकर के आ रही है उसकी नई एलेंट्रा। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है ये एलेंट्रा। का 7th जनरेशन है और K3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। पहले से थोड़ी सी ज़्यादा हल्की होगी, मतलब कि परफॉर्मेंस भी जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। खैर, पहले लुक्स की बात कर लेते हैं कि ये दिखाई कैसी देती है। तो आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे कि कितना एग्रेसिव डिज़ाइन किया गया है, इतना स्लीक डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पर अगर फ्रंट की बात करते हैं तो नए तरह की आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिलती है और नए टाइप का जो है यहाँ पर LED हेडलाइट्स दी गई हैं। थोड़ी सी छोटी हैं लेकिन ग्रिल के साथ मिलकर के बिल्कुल कंप्लीट डिज़ाइन, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है यहाँ पर। और अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अभी डिस्कशन करेंगे कि कितना लंबी कितनी चौड़ी है, लेकिन साइड से भी अगर देखते हैं तो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर गाड़ी लग रही होगी। और पीछे से अगर बात करते हैं तो डी शेप की ये टेल लाइट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं यहाँ पर। थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो यहाँ पर आपको 4676 mm की लेंथ मिलती है, जो कि 56 mm ज़्यादा है पिछले वाली से। और विड्थ आपको यहाँ पर 1826 mm की मिलती है, जो कि 26 mm ज़्यादा है पिछले वाली से, मतलब कि पहले से ज़्यादा लंबी और पहले से ज़्यादा चौड़ी हो गई है। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 1415 mm है, जो कि 51 mm जो है वो कम है पिछले वाली से। लेकिन यहाँ पर आगे बात करेंगे स्पेस की। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पर व्हील बेस जो है वो आपको 20 mm जो है वो बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अंदर आपको जो लेग रूम है वो और भी ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे गाड़ी का व्हील बेस तो बढ़ाया ही गया है, साथ के साथ जो ओवरहैंग है वो उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जो फ्रंट का जो टायर आप देख रहे होंगे और जो बम्पर है उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। यहाँ पर जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा और पीछे हट के बैठता है, जिसकी वजह से उसको जो स्पोर्टी फील है गाड़ी का वो ज़्यादा आता है। थोड़ा सा हो सकता है कि सेफ भी ज़्यादा फील करे भाई। यहाँ पर गाड़ी का लंबाई चौड़ाई भारी बनावट देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी आपकी सिविक से कम नहीं होने वाली है गाड़ी। खैर, अब आपको इंटीरियर और दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आपको इन्फोटेनमेंट की ही बात बताते हैं, तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का जो है इन्फोटेनमेंट मिलेगा। और अगर मैं स्टेयरिंग व्हील की बात करता हूँ तो 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इंटीरियर वाइज, अगर स्पेस की आपको पता होगा कि मैंने बात करी थी कि ऊंचाई जो है वो कम कर दी है, लेकिन होंडा का कहना है कि यहाँ पर आपको हेडरूम जो है वो बिल्कुल सेम ही मिल रहा है। साथ के साथ यहाँ पर आपको जो शोल्डर रूम है वो बढ़ा दिया गया है, लेग रूम आपका बढ़ गया है, मतलब कि स्पेस वाइज जो है पहले से बेहतर हुई है ये गाड़ी। खैर, इस गाड़ी के अंदर आपको 8 स्पीकर दिए गए हैं बोस के जो हैं, तो मतलब कि साउंड तो यहाँ पर धांसू होने वाली है दोस्त। और एक और अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि गाड़ी को आप खोल सकते हैं मोबाइल से, गाड़ी को आप बंद कर सकते हैं मोबाइल से, बूट ओपन कर सकते हैं आप मोबाइल से ही, और गाड़ी को स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने यार दोस्तों को भी वो अथॉरिटी दे सकते हैं और उनमें लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि आपके यार दोस्त या घर वाले उस गाड़ी को ऐप के थ्रू खोल सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते, या आप चाहें तो उनसे स्टार्ट भी करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बहुत कमाल की बात है। खैर, कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ बाहर से गाड़ी खूबसूरत है बल्कि बहुत ही एडवांस फीचर के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। ऑफ कोर्स आपको सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह तो आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि भैया इंजन क्या आ रहा है, क्या ये होंडा सिविक को पछाड़ने वाला इंजन है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर 2 लीटर का इंजन पेट्रोल के अंदर देखने को मिलेगा, 179 Nm का जो है वो टॉर्क जो है वो 4500 RPM पे देता है ये। और
अगर पावर की बात करूं तो 149 हॉर्स पावर की 6200 आरपीएम के ऊपर निकालता है। एक और इंजन की बात हो रही है, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर भी ये गाड़ी 1.6 लीटर इंजन के साथ आती है, 4 सिलेंडर इंजन है, ऑफकोर्स पेट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ है, जीडीआई पेट्रोल इंजन है ये, जो कि पावर आपकी 141 हॉर्स पावर की निकालता है और टॉर्क जो है वो 264 एनएम का है। ये 6 स्पीड डीसीटी है और जो इससे पहले वाला इंजन था वो सीवीटी के अंदर है। कहा यह भी जा रहा है कि ये 1.4 टर्बो इंजन और 1.5 डीजल इंजन जो है इनके क्रेटा वाला जो है वो भी शेयर करेगा। अगर ऐसा है तो खूब सारे आपको जो है यहाँ पर इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब भैया 100 बातों की एक बात थी, हर तरीके से ये गाड़ी बढ़िया है। इस सेगमेंट के अंदर सारी गाड़ियाँ ही बढ़िया आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको रोकड़ा जो है वो कितना ढीला करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 लाख से 22 लाख के आसपास जो है ये गाड़ी आपको इंडिया के अंदर मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ कि 16 लाख से स्टार्ट हो गई तो होंडा सिटी वाले जो टॉप वेरिएंट ले रहे हैं उनका जीबी 100% ललचाएगा। इनफैक्ट वरना को इनके खुद के प्रोडक्ट को भी तोड़ सकती है और हो सकता है कि सियाज वाले भी टूटें। आपका क्या कहना है, सियाज वाले आएंगे इसके ऊपर? खैर, लेकिन सिविक वाले जरूर इसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे, या ये कह सकते हो कि ऑक्टाविया वाले जो है उनका भी जी ललचाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन जो है वो होने वाला है इस सेगमेंट के अंदर भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, अगर मैं लॉन्चिंग की बात करता हूं तो यूएस के अंदर ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और हमारे इंडिया के अंदर हो सकता है कि 2021 के शुरुआत में यह सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है, कोरोना वोरोना वाला झंझट और रिकवरी कर गई जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर भी, तो हो सकता है कि ईयर एंड के अंदर फेस्टिवल सीजन के अंदर इंडिया में भी ये लॉन्च कर दे। तो अगर आपका कोई प्लान है इस टाइप की कोई गाड़ी खरीदने का तो थोड़ा सा ठहरो, जबरदस्त गाड़ियां आने वाली हैं। और हाँ, रवि की जो है वो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, हो सकता है कि अगले या अगले से अगले वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाए वो। तो समाप्त करते हैं इसी मैसेज के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और आप घरों के अंदर ही रहिए, प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, प्लीज़। ओके, जय हिंद, जय भारत।